नमस्ते दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ मूंगफली की स्वादिष्ट चटनी। ये मैंने सामान ले लिया है, हरी धनिया, मिर्च, लहसुन, जीरा, काली मिर्च, मूंगफली के दाने। दोस्तों पैन रख दिया है गैस पे, ऑयल डाल दिया है और इसमें अपने मूंगफली के दाने डाल के इसको कुछ देर के लिए भून लेंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों मूंगफली के दाने की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों दाने हमने निकाल लिए हैं, इसमें अपने हरी मिर्च, लहसुन, धनिया और जीरा काली मिर्च को धीमी आंच पे भून लेंगे ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए। दोस्तों ये चटनी आप 10 से 15 दिन रख के खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और काफ़ी अच्छी लगती है, दाल चावल से, रोटी से, किसी से भी आप खाइए। दोस्तों धीमी आँच पर ही हम अपने सामान को भूनेंगे, अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे। दोस्तों हमारा सामान भून के तैयार हो गया है, हमने जार ले लिया है, इसमें मूंगफली के दाने डाल देंगे, हरी मिर्च, लहसुन, धनिया, ये सारा सामान हम इसमें डाल देंगे और आधा चम्मच नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। दोस्तों और इनको पीस लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए दोस्तों हमारी चटनी पीस के तैयार हो गई है, इसमें हम एक चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे जिससे ये और भी चटपटी हो जाए और इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे दोस्तों ताकि ये खाने में और भी टेस्टी लगे। दोस्तों मेरी मूंगफली की चटनी की रेसिपी तैयार हो गई है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय।